इस वीडियो हम जानेंगे सिम में कलर ट्यून कैसे सेट करें। मैक्सिमम लोग ड्यूअल सिम का उपयोग अलग अलग पर्पज के लिए करते हैं। दोनों सिम का कलर ट्यून सेम होने के कारण उनको यह पता नहीं चल पाता है कि किस सिम पर कलर रही है। यदि आपके दोनों सिम का कलर ट्यून अलग है तो आपको पता चल जाता है कि हमारे किस सिम पर कलर रही है। तो इस कलर ट्यून को सेट करने के लिए सबसे पहले आपने सेटिंग को ओपन कीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन का। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है फोन रिंगटोन का। फोन रिंगटोन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए अभी मेरे दोनों सिम की सेटिंग रेडमी कॉलर ट्यून की है। जिस भी सिम का कॉलर ट्यून चेंज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी कॉलर ट्यून सेट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। कॉलर ट्यून को सिलेक्ट करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार आप अपने दोनों सिम में अलग अलग कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।